ट्रक भित्रै खाना पकाइ राख्नु भएको छ उहाँहरूले। हिजो बेलुकादेखि जाममा पर्नु भएको छ, खाना आफै पकाइ राख्नु भएको छ। अनि यो हिजो बेलुका भोकै बस्नु भयो, कहाँदेखि कहाँसम्म पढ्नु भयो हिजो सर्नु भयो तपाईँहरू? हिजो बेलुका यहीँ परेर यहीँ नै त्रिभुवन पार्क अगाडि हुनुहुन्छ, हिजोदेखि यहाँको यहीँ हुनुहुन्छ, यहाँदेखि सर्नु भएको छैन, कति दिन लाग्छ थाहा छैन। यसरी खाना पकाएर खानुपर्ने अवस्था आयो होइन? तपाईँहरू जानुपर्ने कहाँ थियो? भैरव जानुपर्ने है। कतिजनाको लागि खाना पकाइ राख्नु भएको छ? सातजनाको लागि। सबै हिसाबहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरू? गाउँको मान्छे अब हामी चाहिँ हिँड्नु भएको हजुर, अब खाना पकाएर खानु पर्यो। गाउँको मान्छे भन्नाले अब एकै ठाउँको मान्छे उहाँहरू चाहिँ घर जान दसैँ मनाउन घर जान लाग्नु भएको, तर यो जाममा परिदिनु भयो, बिजोग भयो है अवस्था। त्यही त, तपाईँहरूसँग चाहिँ पकाउने व्यवस्था रहेछ त्यसरी यहाँभित्र पकाइराख्नु भएको छ, अरूलाई चाहिँ गाह्रो छ, चाउचाउ बिस्कुट खाएर बसिराख्नु भएको छ। एक कप चिया खाएको अघि 30 रुपियाँ लिए कसैले नि मगीमा, अब यस्तो आपत्ति बेलामा हजुर नपरो। त्यही त, कोही हिँडेर आइराख्नु भएको छ नागडुङ्गादेखि होला, सायद हिँडेर आइराख्नु भएको छ, खाना चाउचाउ खाएर बसिराख्नु भएको छ। त्यो जाम चाहिँ कहाँसम्म छ रे? तलतिर पनि दुई चार ठाउँ पहिरो गएर उताबाट नि आएन, यताबाट नि थप्पै हजुर, यहाँ नागडुङ्गा मुनिपट्टि पनि गएखेरि पहिरो हजुर। केही जानकारी पाउनु भएको छ अगाडिको अपडेट? केही जानकारी पाउनु भएको छैन है। आगे सडक अवरुद्ध हो रहा है, सडक और टाइम बहुत लागेगा। खाना खा लिया आपले? खाना खा लिया? काम से मिलेगा खाना? कुछ भी नहीं खाया अभी तक? कितना आदमी है आप? 40 आदमी। 40 आदमी बस में आए? बस में आए। क्या करे बताओ, कहाँ जाए? पानी तो पी लिए दो तीन बार जाके। पानी पिया है कोई? ऐसे पास में रखते है बोतल वगैरह उससे जी। कुछ नहीं खाया? और कुछ नहीं खाया? पानी चाहिँ कहाँबाट ल्याउनु भयो? पानी यता होटलमा हामी रिक्वेस्ट गरेको, होटलबाट दिनु। भाँडाकुँडी कहाँबाट ल्याउनु भयो? गाडीमा हाम्रो राखेको। ए सबै विपद आइलाग्छ भनेर? गाह्रो छ सर, गाह्रो छ। ड्राइभर काम राम्रो होइन, सबैले गाह्रो छ। अहिले त धेरै धनधनको क्षति भइसकेको छ, लगातार पानी आइरहेको छ। के पकाउनु भयो त खानामा? खाना आलु गुन्द्रुक भात, गुन्द्रुक पनि यसो गाडीमा। टोयलेट त अब टोयलेटको समस्या हुनुभयो है? त्यही त, सरकारले चाहिँ बाटो बाटो घाटो मात्र भन्दै यसो सार्वजनिक टोयलेट बाटो घाटोमा बनाइदिने र अब जब गर्ने मान्छेलाई सुविधा हुन्थ्यो। त्यही त, त्यतातिर त ध्यान छैन। छेउमा गाडी ट्राफिक आयो, छेउमा गाडी किन रोकिस भने कराउने मात्र हो त्यहाँ, कसैले रोकेर अब यो मान्छे हिँडिरहेको हुन्छ, पिसाब फेर्ने बेला कहाँ फेर्नु? त्यहाँ अब त्यही त होइन, जामको बेलामा पिसाब फेर्न टोयलेट जान गाह्रो हुन्छ नि। हाइवेमा सार्वजनिक टोयलेट भएदेखि अझै अलिकति सहज हुन्थ्यो, धेरै सहज हुन्थ्यो अलिकति भन्दा पनि। हिजो ठ्याक्कै कति बजे तपाईँ भ्याली बाहिर आउनु लाग्नु भएको थियो? हामी आउँदा बिहान बेलुका 7 बजे आउनुभएको, अब अहिले 10-11 बजेसम्म यहीँ बसिराख्नु भएको छ। हजुर हजुर, अब विकल्प चाहिँ हजुर रोज्नु भएको छैन भन्नाले, अब अहिले त भित्रै हुनुहुन्छ नि भ्यालीभित्र, साइड लगाएर कुनै ठाउँ पार्किङ गरेर मजाले बस्न पनि सकिन्छ नि त, त्यो विकल्प रोज्नु भएन। भ्याली बाहिर रिङ रोडमा साइड लगाएर बस्यो भने चिट काट्न आइहाल्छन्, ए यहाँ बाटो जाम छ यताउति उनीहरूले बुझ्दैनन् हजुर, अब किन यहाँ पार्क गरी गाडी हटा भने चिट काट्न आउँछन्, सबभन्दा राम्रो लाइनमै लगाइदिए त त्यसैले चाहिँ हजुरले साइड लगाएर बस्नु भएको छैन, रिङ रोड छोडेर हामी जामको लाइनमा आएको। ए तपाईँको अहिले पनि रिङ रोडमा पार्किङ गरेर अब बाटो छैन, होटेलको अगाडि पार्किङ गरेर आयो भने चिट बोकेर काटिहाल्छ समस्या छ है जता पनि। अब हमारा कोई रास्ता तो निकालो जी। जाएंगे हम लोग, कब साफ हो गए ये रास्ता? टाइम लगेगा, 5 बजे से बैठे हैं हम यहां, आज दिन भर तो लगेगा, दिन भर लगेगा जी। फिर हम खाना क्या खाएंगे? खाना क्या करेंगे? ने वो सरकार ने बोल दिया कल आज नाइट गाड़ी नहीं चलना है, क्योंकि बहुत गिर रहा है ऊपर से पत्थर। अच्छा जी, तो फिर हम रात को भी क्या करेगा यहाँ? इधर तो सुरक्षित ही है ना, हमारी सेफ्टी बताइए आप। लेकिन खाना खाइए, इधर तो सुरक्षित ही है, यहाँ मांसाहारी होटल है, मांसाहारी में हम लोग खाता नहीं है ना। जी जी, वेज भी मिलेगा, शाकाहारी भी मिलेगा। वेज चाहिए हमको जी, जिसमें वो चीज बनता वो भी नहीं खाता है हम लोग। लेकिन क्या करेंगे, अब जंक फूड खाना पड़ रहा है। क्या करें, कोई बिस्कुट खाएगा? एक मिनट भाई साहब, दीदी आप बोलिए, इनमें बोलिए, इनमें
ये पत्थर कहाँ है? आप किधर से आए? इंडिया? इंडिया हम राजस्थान से। राजस्थान से तीर्थयात्रा के लिए आए थे हम लोग यहाँ पे जी। आज सुबह हम लोग 5 बजे निकले हैं, लेकिन यहाँ पे आए 6 बजे से यहाँ पे खड़े। गाड़ी हिल नहीं रही, थोड़ी सी चल रही है, थोड़ी फिर अटक रही है। आज सुबह आया? हाँ, सुबह से हम लोग यहाँ पे रोड पर है, 5 बजे से रोड पर है। हम लोग को सबको भूख प्यास लगी है, हमारे पास कुछ नहीं है खाने के लिए जी। और हम लोग सब इधर ट्रक वाला है ना, वो कल से इधर जाम में फंसा है। अच्छा, तो कल से? कल आगे क्या प्रॉब्लम हुई? आगे गिर रहा है, ऊपर से गिर रहा है। तो उठाओ, अभी और भी गिर रहा है। जी जा रहा है, कंटिन्यू नहीं है, बना रहा है। लेकिन बहुत जाम हो गया ना, बहुत ऐसा गाड़ी फंस रहा है और बहुत ठाव गिर रहा है, उसके बाद जाना अभी मुश्किल है। जी जी, इसका रास्ता क्या निकलेगा? रास्ता सलूशन क्या है इसका? इसका रास्ता वो ट्रैफिक है, आप चलिए, ट्रैफिक से पूछना पड़ेगा और ट्रैफिक ले आगे फोन करके बताएगा, इधर चल सकता है तो चलिए, नहीं तो इधर ही बैठिए आप। तो फिर इधर ही रहना जी। और कब तक रहना वो पता नहीं? कब तक तो वो तो नहीं है, एक दो दिन जी। आज के दिन? अच्छा, आज के दिन बोलिए ना, बारिश गिर रहा है ना, ये तो किसी का वो नहीं है ना, प्रकृति का ऐसे हो गया मौसम जी। आप जाना है तो चलिए, आगे ट्रैफिक है, उनका पूछना पड़ेगा, ट्रैफिक पुलिस से पूछना पड़ेगा। जी जी जी, इधर क्योंकि इधर आप बहुत आदमी है, गाड़ी फंस रहा है, गाड़ी के अंदर आ बैठा है और टॉयलेट आगे तो कहाँ जाएगा, खाना है तो किधर जाएगा, आपका बहुत समस्या हो गया ना। हम लोग सब जैन हैं, हम लोग सब जैन हैं, हम लोग जैन खाना खाते हैं तो हम लोग नॉनवेज होटल में जाते नहीं, नॉनवेज खाना खाते नहीं, आलू प्याज लहसुन खाते नहीं, हमले खाने की भी प्रॉब्लम है जी। तो फिर पूरा दिन तो कैसे रह पाएंगे जी? हम नाइट को खाते हैं और हम लोग सनसेट से पहले खा लेते हैं, तो हमारा सब कुछ वो जैन है, तो इसलिए थोड़ा सा इसका सोल्यूशन कुछ हो तो आप हमें बताइए। सोल्यूशन उधर ही जाना है वो उस, जी जी, वही हमें सोल्यूशन। जी जी ठीक है ना, नहीं है जाने के लिए गाड़ी के, आज तो नहीं जा ऊपर से बारिश, आज तो गारा समस्या है। कति खेर देखि फस्नु भएको छ तपाई यो जाममा? चार पाँच घन्टा बिहान आउनु भएको थियो, के लिएर आउनुहुन्छ तपाईँ यो गाडीमा? दुध कहाँदेखि? हजुर, कपिल वस्तुबाट यहाँ दुध लिएर आउनुहुन्छ, गाडी आज फसिसक्यो, अब जान गाह्रो छ। के खाना के गर्नुभयो? आज रातदेखि जाममा फसिराख्नु भएको छ मजाले? हजुर, जति दिनसम्म जाम हुन्छ त्यति दिनसम्म यहीँ बस्नुहुन्छ, विकल्पै छैन? कतिजना हुनुहुन्छ स्टाफ तपाईँहरू? दुईजना हुनुहुन्छ है, गाह्रो छ अवस्था एकदमै। के छ, के ट्राफिकसँग केही जानकारी पाउनु भएको छ तपाईँले? हजुर, भोलि चाहिँ सम्भावना छ, आज रातभरि यतै, आज दिनभरि अनि आजको रात यतै बस्नुहुन्छ भने त्यो माइन्ड मेकअप गरिसक्नु भएको छ? केही समस्या त छैन हजुरलाई? त्यो टोयलेट सोइलेट जान यताउता हजुर गाह्रो छ, फेरि पानी आउनु लागिसक्यो है, त्यही त ल।